नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम चर्चाएं करेंगे जीव विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। ऑडियो फॉर्मेट में मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, अपने नोटबुक और पेन साथ में रखिएगा। आप कहीं पर भी हो सकते हैं, इजी वे से अपना ईयरफोन यूज कीजिएगा और सुन करके आराम से याद कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का समावेश है। पहला सवाल है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मच्छर। बहुत ही इजी सवाल है, मानव के नाखून किसके बने होते हैं? तो केराटिन के बने होते हैं। और एक और बहुत ही इजी सा सवाल है, छोटी आंत था बड़ी आंत में कौन सी आंत अधिक बड़ी है? तो छोटी आंत। कई बार इंसान ये सोचता है कि छोटी आंत और बड़ी आंत, तो बड़ी आंत ज़्यादा बड़ी होगी, तो ध्यान रखना अधिक बड़ी कौन सी, छोटी आंत। अगला है, मनुष्य में ताप नियमन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। अपने वजन के आधार पर सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पर है? तो वो होगा जबड़ा। किस कहाँ पर है? जबड़ा। एक सामान्य मानव में अत्र को आत्र के अंत तक पहुंचकर अवशोषण पूर्ण करने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 घंटे। अगला सवाल है, मनुष्य की त्वचा तलवे पर कैसी होती है? तो मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी। मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम कितना तापमान सहन कर सकती है? तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके। अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचती है? तो ज्यादा अगर मादक पदार्थों का सेवन करेंगे तो यकृत को। मानव का सबसे, यानी कि मानव का ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे अधिक प्रत्यारोपण किया जाता है? तो कौन सा है? गुर्दा। मानव शरीर के किस अंग में हेपेटाइटिस के कारण सूजन हो जाती है? यकृत। सबसे सामान्य स्तनधारी कौन है? मानव, और जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं। मानव का संबंध किस प्रजाति से है? तो मैंने अभी बताया आपको, इस तरह से सवाल पूछ लिया जाए तो होमो सेपियंस से। अगला सवाल है, एक हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है कौन सा होता है? थायरॉक्सिन। गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य क्या है? तो श्रावण। मानव शरीर में अपेंडिक्स किसकी संरचना से जुड़ा है? तो बड़ी आंत से। त्वचा की भारी परत को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। अगला है, एंजाइम ट्रिपंस कहाँ निर्मित होते हैं? अग्नाशय में। कहाँ निर्मित होते हैं? अग्नाशय में। एक्यूप्रेशर उपचार की वह पद्धति जिसमें दर्द की राहत के लिए, यानी कि एक्यूप्रेशर उपचार की कौन सी पद्धति है अगर बात करें तो, जिससे दर्द की राहत के लिए शरीर के खास हिस्से पर सुइयां डाली जाती है। ठीक है। एक हार्मोन जिसका स्राव केवल महिला के शरीर में होता है वो कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन। कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन। एंडोस्कोप यंत्र से क्या जांचा जाता है? शरीर के अंदरूनी अंग। क्या नाप जांचा जाता है? शरीर के अंदरूनी अंग। अगला, नाक आंख कान एवं गला में से क्या शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है? तो कान हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या? कान। होमोसेपियंस राना टिग्रिना फिजिस डोमेस्टिका एवं कैनिस फेमिलारी समूह में से मनुष्य का संबंध किससे है? तो कुछ देर पहले ही मैंने इस बात के बारे में सवाल की थी, दो बार सवाल चर्चा की थी, तो क्या आएगा? होमो सेपियंस। मानव शरीर में कहां पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? तो ग्रसनी में। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन। द्रव्यमान के हिसाब से हमारे शरीर में कितना पानी होता है? तो 65 से 80%। माइल्ड स्टील पर हेक्साइन करने के लिए ब्लेड के दांतों का पिच कितना होना चाहिए? 1.4 मिमी। प्रोडों में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इन चारों में नुकीला एक मूल काट वाला दांत क्या कहलाता है? रद्नक। क्या कहलाता है? रद्नक। मानव शरीर में वसा का संचयन कौन से उत्तक में होता है? एडिपोज उत्तक में। क्रेनियम यानी कि कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का क्या नाम है? गेलिया एपोन्यूरोटिका। मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो वो होगा सामने वाले चपटे दांत। डुओडेनम किसका भाग है? छोटी आंत का। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50%। सबसे बड़ी धमनी को किस नाम से जाना जाता है? एओआर्टा। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा।
उपकला ऊतक को क्या कहा जाता है? संरक्षी ऊतक। इंसुलिन कहाँ बनता है? पेनक्रियास में। अक्कल के दांत आमतौर पर किस उम्र सीमा में बढ़ते हैं? तो 15 से 25। किसी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है? तो होता है यूरिया। त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मेलेनिन। किसके कारण होता है? मेलेनिन। सर्दी में हम गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं? ताकि शरीर के ताप को निकालने से रोकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन माना गया है? बंदर। मानव शरीर में आहार मुख्यतः किस में पचता है? छोटी आंत में। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किसके प्रतिस्थापन में किया जाता है? वक्र के। गुर्दा एवं मलाशय से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्रोक्टोलॉजी। शरीर में रुधिर का भंडार कहाँ होता है? तिल्ली। क्या कहलाता है? तिल्ली। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है उत्तकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। मियादी बुखार जैसे टाइफाइड बोलते हैं, शरीर का मुख्य रूप से कौन सा भाग प्रभावित होता है? आंत। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत। निषेचित अंडाणुओं के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? प्रोजेस्टेरोन। मदार्क वाले पेयों के अधिक सेवन से किसकी हानि होती है? कलेजे को। पेप्सिन, रेनिन, टाइलिन एवं पेप्सिन एंजाइमों में कौन सी एक मंड की पाचक है? टाइलिन। पक्षों में पंखों का मुख्य काम, यानी कि बात करें पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? तो शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए रोदन प्रदान करना। मनुष्य का मेरुदंड किसको संरक्षित किससे संरक्षित रहता है? कशेरुका से। पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी कौन सा है? गुरिल्ला। कौन सा है? गुरिल्ला। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? आंत में। स्तनधारियों में भ्रूण का विकास किस अंग में होता है? गर्भाशय में। सोडियम क्लोराइड मनुष्य का वह बहुमूल्य तत्व है जो किसी में नहीं पाया जाता, सौरमंडल में। मानव के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है? गामा किरणें। मानव के आवास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप परास कितना है? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? अग्नाशय में। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह कहाँ श्रावित होता है? कहाँ से होता है? यकृत से। शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98.6 डिग्री फारेनहाइट। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध यानी कि घटिया से प्रभावित होता है? तो जोड़। कौन से होते हैं? जोड़। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह किसका होता है? ग्लाइकोजन का। अगला सवाल है, मानव शरीर के आंख को प्रभावित कौन करता है? ग्लूकोमा। आंख के पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? दृष्टिपटल। नेत्रदान में दान किया जाता है क्या किया जाता है? कॉर्निया। फीमर, आयरिश, प्यूपिल एवं रेटिना में से कौन सा मानव नेत्र का एक भाग नहीं है? तो फीमर नहीं है। आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होल है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? तो वो होता है कॉर्निया। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। कंजक्टिवाइटिस का संबंध किससे है? आंख से। पुतली किसका हिस्सा है? मानव नेत्र का। आंख में रेटिना किस रूप में कार्य करता है? कैमरे की फिल्म की तरह। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। हमारी आंखों का रंग किसके मेलानिन की मात्रा पर आधारित है? परितारिका में। एक व्यक्ति अपनी आंखों से 60 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता, उपयोग किए जाने वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी? 1.66D। एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फॉस्फोरस मिलता है दूध से। मनुष्य जब श्वास लेता है तब औसतन शोर कितना होता है? 35 डेसिबल। कितना होता है? 35 डेसिबल। ओके। सिनेमा हॉल में 3D मूवी देखते समय स्पेशल ग्लास
पहनते हैं। क्यों? क्योंकि चश्मा हमारी बाईं और दाईं आंखों को विभिन्न चित्रों को देखने की अनुमति देता है। किसी भी व्यक्ति की आंखें काली, भूरी अथवा नीली रंग की हो सकती हैं, जो किस पर करता है उपस्थित रंजक के ऊपर निर्भर करता है। तो कौन सा रंजक है? आयरिश। कौन सा है? आयरिश। मनुष्य एक मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? 16 से 18 बार। शरीर में पानी का क्षय होता है निर्जलीकरण में। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत। शरीर का फेफड़ा किससे प्रभावित होता है? तपेदिक से। यकृत का क्या कार्य है? ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? सोडियम क्लोराइड का। किसका होता है? सोडियम क्लोराइड का। मानव आंख की कैंट्रैक्ट सर्जरियन की मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियां। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक कार्यकलापों को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। खुजलाने में खुजली से आराम मिलता है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ स्नायु उत्तेजित होकर मस्तिष्क को एंटीहिस्टामिक रसायनों के उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क। अगला है, मानव शरीर का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। मानव मस्तिष्क में याददाश्त का स्थान किसे जाना जाता है? सेरिब्रस को। हृदय पेशी व्यक्तिक्रम वैज्ञानिक किसका नाम है? हृदयघात का। रेखित पेशी का उदाहरण कौन सा है? हृदय की पेशियां। मनुष्य के हृदय की सामान्यतया स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी मानी गई है? 72। हृदयघात का कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल। सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? एओर्टा, महाधमनी। किसकी गति को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर लगाया जाता है? हृदय को। व्यक्ति की नाड़ी की गति मापकर एक चिकित्सक अनुमान लगाता है किसका? तब वो अनुमान लगाता है हृदय की गति का। किसका लगाता है? हृदय की। हुमरस हड्डी कहाँ होती है? तो ऊपरी भुजा में। साइनोवियल का द्रव्य किसे पाया जाता है? जोड़ में। मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियां रहती हैं? तो 12 जोड़ी अर्थात कुल 24 हो गई। पहला अस्थि सेल किस पीरियड के पूरा होने पर विकसित होता है? एम्ब्रियोनिक अवस्था। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थित कौन सी है? फीमर, उर्विका। मानव हृदय की रक्त वाहिका क्या कहलाती है? कोरोनरी वाहिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? कोरोनरी वाहिकाएं कहलाती है। अब अगला है, हड्डियों का मुख्य कार्य क्या है? लाल रक्त कणिका बनाना, वाइटल अंगों की रक्षा एवं मांसपेशियों के लिए जुड़ाव स्थान करना। यदि किसी को कोई दुर्घटना में चोट पहुंचती है और उसके घुटने का जोड़ टूट जाता है तो उसे किसकी सलाह लेनी चाहिए? ऑर्थोपेडिक की। वयस्क मनुष्य शरीर का ढांचा किस पर आधारित होता है? 206 हड्डियों पर। टिबिया, हुमरस, फीमर, फिबुला में कौन सी हड्डी मानव टांग में नहीं पाई जाती? तो हुमरस नहीं पाई जाती। हड्डियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम। फीमर एक हड्डी है, कहाँ होती है? पैर में। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये होती है स्टेपस। पेयजल में किस तत्व की अधिकता से हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, दांत पीले पड़ जाते हैं? फ्लोराइड। हमारे आहार का कौन सा भाग हड्डियों, दांतों और पंखों, शंख आवरण, अंडे के छिलके की संरचना के लिए आवश्यक है? तो वो होगा कैल्शियम। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 6। बोन एस में क्या होता है? कैल्शियम फास्फोट। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। किस अम्ल का संश्लेषण मानव आमाशय में होता है? तो आमाशय में होता है कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उत्पादक किसी पर्यावरण तंत्र में क्या होते हैं? सव पोषक होते हैं। बिना एंजाइम वाला पाचक रस है कौन सा है? पित्त। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तंत्रिका तंत्र की। किसकी है? तंत्रिका तंत्र की। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त होता है? सर्वाहारी को। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहां स्थिर होते हैं? अग्नाशय में। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? अस्थियों का। एल्वो जॉइंट किस प्रकार का जॉइंट है? हिंग जॉइंट। अस्थियों का अध्ययन किसमें होता है ये बताइए? ऑस्टियोलॉजी में। हमारे आहार का कौन सा
इसके बारे में हमने चर्चा की थी अभी। और मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? यूरिक एसिड। कौन सा पाया जाता है? यूरिक एसिड पाया जाता है। अगला सवाल है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? श्रवण। पाचक एंजाइम पेप्सिन श्रवण कहां होता है? आमाशय में। सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। भोजन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? मुख से। एड्स वायरस शरीर के किस तंत्र का नाश करता है? प्रतिरोधक तंत्र का। आहार नाल में स्टोर्ज के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? माल्टोस। गर्भाशय में पाई जाती है आरक्षित पेशी। सोडियम पंप का कार्य कहां पर होता है? तंत्रिका आवेग में। कोशिका का कोशिका द्रव्य कहां होता है? कोशिका केंद्रक के बाहर और झिल्ली के बीच का जीव द्रव्य। प्रतिरक्षीकरण किसके कार्यक्रम पर आधारित है? भक्षक कोशिका। कोशिका का ऊर्जा आधार क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। जंतु कोशिका के बारे में अगर एक कथन की बात करें तो लाइसोसोम में उपस्थित रहता है। शारीरिक कोशिकाओं की प्रक्रिया को किसके द्वारा विभाजित किया जाता है? समसूत्रण के द्वारा। किसके द्वारा? समसूत्रण के द्वारा प्रभावित किया जाता है। साइटोलॉजी क्या है? कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें बात करें पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। जंतु कोशिकाओं से पादप कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण अलग की जा सकती है? कोशिका भित्ति। क्या आंसर होगा? कोशिका भित्ति। किसी कोशिका के साइटोप्लाज्म को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। क्या कहलाती है? प्लाज्मा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। उस कोशिका को पहचाने जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं, तो कोशिका कला। एटीपी का निर्माण कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उत्तक कैसा होता है? सम्मान कोशिकाओं का समूह होता है। उत्तक क्या है? इनकी उत्तक जो है वो क्या है? सम्मान कोशिकाओं का समूह है। अंबिबा में कुल कितने शैल होते हैं? तो एक ही होता है। इनके अंबिबा में कुल कितने शैल अर्थात कोशिका होते हैं? तो एक। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। मानवीय जीन सेल्स की परिपक्वता किसे कहते हैं? माइटोसिस। जीन किसकी संरचनात्मक इकाई है? तो हमारा आंसर होगा डीएनए। किसकी? डीएनए। मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं? एक्स वाई। आरएनए का अभिप्राय क्या है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का क्या तात्पर्य? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में किसने दिया? सवाल फिर से सुन लीजिएगा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में किसने दिया? तो वॉटसन और क्रिक ने। शिशु का पितृत्व ज्ञात करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। क्रोमोसोम है धागे जैसे बांस जो न्यूक्लियोकों में बनता है और जेनेटिक कोड को ले जाता है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम्स के मिलने से बालक का जन्म होता है? पुरुष का वाई व स्त्री का एक्स। डीएनए का संबंध किससे है? आरएनए से। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम इनकी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। इसका मतलब 23 जोड़ी हो गई, ठीक है, 23 पेयर्स हो गए। मानव में लिंग का निर्धारण किससे होता है? गुणसूत्रों के द्वारा। शिशु का लिंग किससे निर्धारित होता है? पिता के क्रोमोसोम से। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? 47। आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स। लड़का ही पैदा होगा जब एक्स वाई गुणसूत्र हो। एडेनाइन साइटोसाइन थाइमाइन एवं यूरोसिल में कौन से डीएनए अणु का एक घटक नहीं है? तो यूरेसिल नहीं है। अगला है, डीएनए किसमें पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। बच्चे का लिंग निर्धारण गर्भधारण के कितने हफ्ते बाद किया जा सकता है? 6 से 7 हफ्ते।
कितने हफ्ते? 6 से 7 हफ्ते। मानव रक्त का घटक कौन सा नहीं है? डीएनए। कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव किसके द्वारा होता है? आरएनए। जीन का आकार कैसा होता है? सर्पाकार। कैसा होता है? सर्पाकार। न्यूक्लिक अम्बल का एक वर्ग कौन सा है? डीएनए। ग्रेगर मेंडल द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को क्या कहा गया? आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? डब्ल्यू बेटसन के द्वारा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः क्या होता है? एक अक्ष क्रोमोसोम। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के।